अपनी जमीन को इस रूप में देखकर बहुत दुख होता है। पहले ये कितनी गौरवशाली थी, अब कावेरी को इस रूप में देखकर बहुत दुख होता है। उन दिनों बारिश होती थी, फसलें उगती थी और लोग खाते थे। अब खेती नहीं होती तो लोग मजदूरी करके खा रहे हैं। जब कावेरी में काफी पानी था तब 3 फसलें होती थी, धीरे धीरे 2 होने लगी और कुछ समय से हम 1 फसल उगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 20 सालों के बाद कावेरी में बिल्कुल पानी नहीं होगा, ये पूरी तरह से सूख जाएगी। बेंगलुरु, जिसे एक समय पे झीलों की नगरी कहा जाता था, वो पानी की कमी वाला अगला शहर बनने वाला है। तमिलनाडु और उसकी राजधानी शहर के लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारतीय किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। ये कर्नाटक के उस हिस्से का कड़वा सच है जो राज्य के सबसे उपजाऊ हिस्से में से एक है और तबाही की कगार पर है। ये कावेरी का इलाका है। भारत की नदियाँ एक गंभीर हालत में है। औसतन भारत की हर नदी में हर साल 8% पानी कम हो जाता है। 16 सालों में ज्यादातर नदियां गायब हो जाएंगी। 8% की गिरावट है। साल के लगभग 7 महीनों में कावेरी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, वो सूख जाती है यहीं कहीं आसपास। आज ये 46% कम है उससे जितना ये 40 साल पहले थी। आपके बच्चों या शायद उनके बच्चों को पता ही नहीं होगा कि कावेरी क्या है। जब हमने नदी अभियान शुरू किया था, हमने 50,000 से ज्यादा कला प्रतियोगिताएं की थीं पूरे देश में, क्योंकि हम बच्चों को जागरूक बनाना चाहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बच्चों ने भूरी रेत का चित्र बनाया और उन्हें लगा यही नदी है क्योंकि उन्होंने ऐसी ही नदी देखी है। सबसे बड़ी चिंता पानी नहीं है, सबसे बड़ी चिंता मिट्टी है। मिट्टी में पर्याप्त जैविक तत्व न होने का मतलब है आप पानी को रोक नहीं सकते। भारत में 16 करोड़ हेक्टेयर खेती की जमीन है, इसमें से 10.4 करोड़ हेक्टेयर खेती की जमीन की मिट्टी संकट में है। इसका मतलब है इस देश में भोजन उगाने की गंभीर समस्या होगी अगले 15 से 20 सालों में। 130 करोड़ लोगों के देश में अगर आप अपने लिए भोजन नहीं पैदा कर सकते तो ये सबसे बड़ी आपदा होगी। हमारी 96% नदियां सिर्फ बारिश के पानी से बहती हैं। अगर पेड़ होंगे तो बारिश के पानी को थामने की हमारी काबिलियत बढ़ जाएगी। बारिश का पानी जो साल में लगभग 45 से 50 दिन तक हमें मिलता है, वो अगले 50 दिनों में पूरा बह जाता है। इस बहाव को धीरे करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पेड़। कोई और तरीका ही नहीं है। जंगलों को बढ़ाना असंभव है क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। तो सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें पेड़ों पर आधारित खेती की ओर मोड़ना। हम तमिलनाडु में 69,670 किसानों को इस तरफ मोड़ चुके हैं। उनकी आमदनी 5 से 10 गुना बढ़ गई है 8 से 10 सालों में। फिलहाल तमिलनाडु और कर्नाटक में हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कावेरी पुकारे। हम 25 लोग तला कावेरी से तमिलनाडु के तिरुवरूर तक मोटरसाइकिल चलाकर जाएंगे। हम पूरे मार्ग में कावेरी के तटों के साथ साथ चलेंगे और न सिर्फ जागरूकता पैदा करेंगे बल्कि हम दोनों सरकारों से किसानों को सहायता देने की बात कर रहे हैं जिससे वो सामान्य खेती से पेड़ों पर आधारित खेती की ओर जा सकें। इसके लिए बस 3 से 4 सालों तक सब्सिडी देने की जरूरत है, उसे बदलाव लाने में मदद करने के लिए। उसके बाद उसे सहायता की जरूरत नहीं है। अगर इन 4 सालों तक आप उसकी सहायता करते हैं तो वो पेड़ों पर आधारित खेती की ओर मुड़ जाएगा। जब आर्थिक फायदा होगा तब सब्सिडी की भी जरूरत नहीं होगी, लोग हर हाल में मुड़ेंगे। कावेरी घाटी लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। हम इसके 1/3 हिस्से में पेड़ों की खेती लगाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो 46% की कमी जो नदी के पानी में हुई है उसकी भरपाई हो जाएगी, नदी फिर से बहने लगेगी, किसान अमीर और समृद्ध हो जाएंगे। जब मैं यूएन में बोल रहा था, मैंने कहा मैं इस विवाह को आधिकारिक रूप देना चाहता हूं, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का विवाह। सिर्फ तभी हम कुछ सार्थक पैदा कर पाएंगे। पर्यावरण लोगों की आर्थिक खुशहाली के खिलाफ नहीं है, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को साथ साथ चलना होगा। अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होकर कैसे चलाएं, ये महत्वपूर्ण है। इस परियोजना का नाम है कावेरी पुकारे, तो वो बुला रही है, क्या आप सुन सकते हैं? यही प्रश्न है। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? कावेरी पुकार रही है।